हेलो दोस्तों, आज हमारे किचन में बनने वाली है दाल मखनी। इसके लिए हमें चाहिए साबुत उड़द और ये थोड़ा सा राजमा, और मैंने थोड़ी सी चने की दाल इसके अंदर ऐड कर दी है। मैंने इसको रात भर के लिए भिगो के दिया था, और अगर आपको इसको सुबह में बनाना है तो इसको रात भर भिगो दीजिए, और अगर रात शाम में बनाना है तो आप इसको सुबह ही भिगो दीजिए। कम से कम इसको 8 घंटे भीगना ज़रूरी है। इसके लिए हमें और चाहिए, ये मैंने एक तेज़पात लिया है, थोड़ी सी मैंने अदरक काट के इसके अंदर डालने के लिए मैंने काट लिया है सूखे अदरक। 3 मैंने यहाँ लौंग ले ली हैं, और ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इसको कुकर में डालकर और इसका 3 गुना पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये सब सामान इसके अंदर डाल के साथ में थोड़ा सा नमक डालूँगी, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक उबालूँगी। पानी मेरा बॉईल हो चुका है, अब इसके अंदर मैं ये दाल तेज़पात अदरक एक दालचीनी का टुकड़ा और ये लौंग ऐड कर देंगे, साथ ही में इसके अंदर नमक भी डालेंगे। एक टीस्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर सब सामान डाल दिया है, अब मैं इसको प्रेशर दूंगी ढक्कन लगाकर। लेकिन पहले मैं इसके ऊपर ये जो झाग आने शुरू हो गए हैं पानी में, इसको पहले मैं रिमूव करूंगी। हमने अपने कुकर पर लिड लगा दी है, अब मैं इसको प्रेशर दूंगी अच्छे से। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पर एक प्रेशर दूंगी, और फिर मैं लो फ्लेम पर इसको करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आगे हमें जो मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो है ये रेड चिल्ली पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, और ये 4 हरी मिर्चें लिए हैं, और ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और एक गरम मसाला। इन सब चीज़ों की हमें अब ज़रूरत होगी। ये टमाटर और हरी मिर्च को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में इसका मैं बारीक पीस लूँगी मिक्सी के अंदर, इसकी प्योरी बना लूँगी। और साथ ही हमें चाहिए एक प्याज, ये एक छोटी साइज की प्याज मैंने रफली चॉप कर ली, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। कलर के लिए हम कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे, इसके लिए हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे, ये कलर के लिए है, इससे तीखापन नहीं होता, सिर्फ कलर आता है। अब ये मिक्सी के जार में हमने ग्रीन चिली और टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब इसके साथ ही हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डालेंगे, और इसको अच्छे से बारीक ग्राइंड करेंगे। चलिए मिलते हैं ग्राइंड के बाद। अब हमने चूल्हे पर ये एक बर्तन रख दिया है जिसमें हमें दाल बनानी है, और चाहे तो कढ़ाई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि दाल मखनी और ऑयल, लेकिन हमें अभी इसके अंदर मक्खन नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम अभी से इसके अंदर मक्खन डालेंगे तो मक्खन जल जाएगा, इसलिए हम पहले इसके ऑयल में ही तैयार करेंगे, मक्खन हम इसमें बाद में डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें तो आप इसी तरह से इसको प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे, इससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर और बाकी मसालों का ऐड करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से हो चुकी है, इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है, अब हम इसके अंदर
टमाटर की जो हमने हरी मिर्च और टमाटर अदरक लहसुन की जो प्यूरी बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसके अंदर जो हमारे ड्राइड मसाले हैं यानी सूखे मसाले वो इसमें अंदर एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हमारी हल्दी, मैं आधा चम्मच हल्दी इसके अंदर डाल रही हूँ। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और अच्छे से इसको भून लेंगे। अभी हमने इसके अंदर धनिया ऐड नहीं किया है, धनिया भी हम इसके अंदर डाल लेंगे, एक टीस्पून धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके अंदर भी डालेंगे और ऊपर से भी डालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है, कच्चा बिल्कुल ना रहे वरना दाल में टेस्ट नहीं आएगा। और इसलिए आपको बेहतर यही है आपके लिए कि आप इसको अच्छे से अच्छा भूनें, तभी आपको बेहतर टेस्ट मिलेगा। मसाले को स्लो फ्लेम पर ही भूने वरना ये जल जाएगा। अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम इसके अंदर जब हम इसको दाल इसके अंदर ऐड करेंगे जब हम इसके अंदर नमक चेक करेंगे, अगर हमें नमक कम लगता है तो हम और डाल देंगे वरना नहीं डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे जो हमने अभी उबाल कर रखी थी। तेज़पात वगैरह आप यहीं पे निकाल दें वरना सामने आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर हमारी दाल का हुआ है। अभी तो इसके अंदर अभी इसकी कुकिंग बाकी है और इसी स्टेज पर हम इसके अंदर की कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब यहीं हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, आप जितना बटर चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ये थोड़ा ही बटर ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम भी, ये आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। दाल में मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि इसकी अच्छे से कुकिंग हो जाए, वरना हमारी दाल जब तैयार होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी दाल का, हमने इसके अंदर कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, फूड कलर सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च की ऐड की है हमने इसके अंदर और उसी से हमारी दाल में इतना अच्छा कलर आ गया है। स्लो फ्लेम पर हम अपनी दाल को अच्छे से 10-12 मिनट पकाएंगे। अब हम यहीं इसका नमक चेक कर लेंगे पकते टाइम ही। मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर और नमक डाल देती हूँ। दाल को पकते हुए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करते हुए देखिए दाल का कलर और टेक्सचर दोनों बदल गए। दाल को अब हम डिश आउट कर लेंगे, हमारी दाल एकदम तैयार है। देखिए दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी दाल बनी है, आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम इसको मक्खन और क्रीम से गार्निश करें।
लीजिए, तैयार है हमारी दाल मखनी।